जहां अथर्वा, इमली और राणा परिवार एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं अब इमली को अथर्वा से कई सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि अथर्वा ने वो चीनी का नाम नहीं लिया जिसके साथ वो रहता है और जिसके लिए उसने इमली को छोड़ दिया सालों पहले। पर अब इमली अथर्वा से सामना करती है कि वो सब सच बताए कि आखिर बात क्या है। और अथर्वा तो जैसे इमली की बात सुनते ही भड़क जाता है और गुस्से से बोलता है कि उसको जो कुछ कहना था उसने कह दिया। पर इमली बोलती है कि अगर उसको चीनी से प्यार है तो फिर उसने चीनी का नाम क्यों नहीं लिया सबके सामने, और अगर अथर्वा चीनी से प्यार नहीं करता तो ये बात भी तय है कि फिर तो कैरी भी अथर्वा और चीनी की बेटी नहीं है। और अब कसम दिलवाती है अथर्वा से अपने सर पर हाथ रख कर कि अब अथर्वा सच बताए कि क्या कैरी चीनी की बेटी है या इमली की। और अथर्वा अब बंध जाता है इमली की दी हुई कसम में, क्योंकि इतने सालों से अथर्वा को यही जहर दिमाग में डाला गया कि इमली उसके बच्चे की ना तो माँ बनना चाहती है और ना ही अथर्वा के पास रहना चाहती है जब वो घर छोड़कर गया था सबसे गुस्सा होकर। तो आखिर अब अथर्वा क्या इमली का कसम खाकर भी झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि इमली से बेहद प्यार जो करता है अथर्वा, बस गलत फहमियों के चलते आज 5 साल से जुदा रहे दोनों। तो क्या अब इमली को उत्तर मिल जाएगा और क्या अब वो पूरी तरह से कैरी को अपना सकेगी, या फिर अब भी चाल चलेगी चीनी जो उसकी पुरानी आदत है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इमली के एपिसोड्स में। अपडेट्स यहीं पर।